वेलकम बैक टू माई ट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र देखो यहाँ बात करने वाले हैं एम जे पी आरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली वालों के लिए। तो ये बरेली यूनिवर्सिटी का पेपर है, आप देख लीजिए ध्यान से, वो भी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है 2022 में जो अभी हुआ है पेपर। 2022 का पेपर कैसा आया ये पहले पहले तो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें ये जानना है, ध्यान से समझ लेना। पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब की कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये सबसे बड़ी बात समझ लीजिए मेरी बात को। उसके बाद में उन्होंने क्या किया है, सिंपल तरीके से अब उनने टोटल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तीन भागों में डिवाइड किया है पूरे पेपर को। इसमें हमने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे कि 2022 में आने वाले क्वेश्चन क्या वो पेपर में आए हैं, ये सबसे बड़ी एक सवाल बनता है हमारे दिमाग में, तो उसको हमने पूरा किया है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा पेपर को, लास्ट तक बने रहना है, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वीडियो को देख लेना वहां जाके। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो का जो प्लेलिस्ट हमने दे रखी है तो उसमें लिखा हुआ हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम प्लेलिस्ट लिंक, आप उस पर टच करेंगे तो सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगे, पहले हाई स्कूल की, फिर उसके बाद बीए की, फिर बीएससी की, फिर बीकॉम की, आपको इस तरीके से प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं वहां जाके, ठीक है। अब मेरी बात को सुन लीजिए एक बार। अब यहां क्या है, जो पेपर हुआ था वो हुआ था बिजनेस कम्युनिकेशन का। अब जब बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर हुआ था तो इसका हम बात करने वाले हैं कि कितने नंबर का आया। तो बेटा 75 नंबर का पेपर बना है एमजेपीआरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में। 3 घंटे में सोल्यूशन करना था, आल्स आपका सिलेक्शन करना था। अब यहां देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को आपको बोला गया है कि सभी खंड करना अनिवार्य है। सेक्शन नंबर ए में अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं। ऑल 5 क्वेश्चन अटेंड करना है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है मैंने आपसे शॉर्ट में 5 क्वेश्चन पूछे हैं, 5 की 5 अटेंड करना है और 3 नंबर के हिसाब से 15 नंबर दूंगा, ये बोला गया है। अब यहां ध्यान से देखना, अब आपको मैं दिखा रहा हूं पूरे क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को, सटीक जानकारी दे रहा हूं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और मैं आपको जो बताता हूं वही पेपर में आता है, इससे बाहर कुछ नहीं जाता। आपसे बोल रहा हूं कि पेपर हैकर को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहां देखो ध्यान से, यहां बोला गया सभी 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक अति लघु उत्तरी प्रश्न 3 नंबर का होगा। यहां बोला गया संप्रेषण मतलब कि कम्युनिकेशन, यह संप्रेषण को हम दूसरी भाषा में संचार भी बोलते हैं, से आप क्या समझते हैं, मतलब कि हमसे परिभाषा पूछिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। पूरा क्वेश्चन फंसा है, 3 नंबर का जो मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था वही फंसा है। देखो उसके बाद में देखो दैनिक भाषा, दैनिक भाषा को तन भाषा भी बोलते हैं, पूरा क्वेश्चन वही फंसा है, उसकी परिभाषा क्या होती है पूरा क्वेश्चन फंसा है। देखो यहां बोला गया है साक्षात मकार से आप क्या समझते हैं, मैंने आपसे बोला कि साक्षात मकार क्या होते हैं, उनके प्रकार को याद कर लेना, तो उसमें से एक प्रकार है क्रमिक, क्रमिक प्रकार, ये भी आपका पूरा 3 नंबर का फंसा है। देखो यार जो क्वेश्चन देते हैं ना वही आता है पेपर में, बाकी कुछ नहीं आता। देखो पावर जो होता है ना, पावर प्लांट प्रोजेक्शन, ये भी मैंने आपको पूरा इंपोर्टेंट दिया था, 3 नंबर का फंसा है। देख लो वीडियो देख लेना, आपको विश्वास आ जाएगा। देखो अर्ध सरकारी पत्र नहीं दिया था, सहकारी पत्र दिया था, तो ये क्वेश्चन को छोड़ दो, ये इंपोर्टेंट आपको देना ही है। तो यहां हमारे 15 देखो 4 क्वेश्चन फंसे हैं, 3 के हिसाब से 4 3 12 12 नंबर के हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फंसे, 12 नंबर के, ध्यान से देखना, क्योंकि अभी आपको 2022 में टॉप करना है। पहला क्वेश्चन तो बस आपको एक पेपर इसलिए दिखा रहा हूं तो आपको भरोसा हो जाए कि हम पेपर हैकर जो यूट्यूब चैनल देता है आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन वही पेपर में आते हैं। अब यहां देखो शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि लघु उत्तरी प्रश्न क्या होते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न की बात करें आप देख लीजिए यहां ध्यान से 7.5 × 2 = 15, अब देख लीजिए 7.2 × 2 = 15। अब इसको देखना है कि जो एनी टू क्वेश्चन आउट आपको कह रहा है अटेंड करना है, आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करना है, ये कह रहा है लगभग 3 क्वेश्चन इसने दिए हैं, 2 क्वेश्चन अटेंड करना है। छठा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए 7.5 नंबर का क्वेश्चन है, हमें 2 क्वेश्चन आंसर देने होंगे 2 क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है व्यवसाय में संप्रेषण मतलब कि आपसे पूछ रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन के महत्व और प्रकाश मतलब प्रकाश महत्व पर प्रकाश डालना है। पूरा क्वेश्चन 7.5 नंबर का फंसा है जो आपको बताया कि बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या। पहला ही क्वेश्चन ये मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था कि भाई इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, इसके महत्व के बारे में पढ़ लेना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। यहां बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में तो यहां दे रखा है संचार के आधुनिक स्वरूपों से आप क्या समझते हैं, मतलब संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन के आधुनिक स्रोत क्या क्या है, उनके वर्तमान में संचार कौन कौन से स्वरूप का प्रयोग किया जा रहा है। यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते तो मत कर दीजिए, यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है और उसके अलावा आप ये क्वेश्चन कर दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, चिंता मत करिए सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे, कोई बाहर नहीं जाने वाला। 8वां क्वेश्चन देखिए, हमसे 2 ही क्वेश्चन तो पूछे थे उसने करने के लिए। अब यहां देखो दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने 7.5 नंबर का कर चुके हैं, उसको मैंने कहा 1 क्वेश्चन छोड़ देना, जो बीच वाला 8वां 7वां क्वेश्चन 7वां नंबर, अब 8वें नंबर क्वेश्चन की बात
करो। तो देखो ये आगे प्रभावशाली व्यावसायिक पत्र पर एक विशेषता बतानी है, तो प्रभावशाली व्यावसायिक पत्र आ गया। देखो पूरा क्वेश्चन भाई आया है जो मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था, 7.5 नंबर यहां फंस चुके, दोनों के दोनों क्वेश्चन फंसे 7.5 नंबर के, 7.5 नंबर मतलब कि हो गया आपका 15 नंबर ये और 12 नंबर वो, तो कितने हो गए 27 नंबर हो गए। 27 नंबर ध्यान रखना, 27 नंबर क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है बेटा, ध्यान रखना, अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है बेटा, अब हमें जाना है किसमें, लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखो लॉन्ग क्वेश्चन में कह रहा है 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, सभी प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य है, 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना 45 नंबर का। आप देखिए यहां से मैंने अभी आपको बताया था प्रभावशाली संप्रेषण में जो मार्ग होते हैं, मार्ग में अपनाए जाने विभिन्न जो बाधाएं होती हैं उनकी बाधाओं का बताना है, पूरा उल्लेख करना है, पूरा क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर का फंसा है, आप देख सकते हैं जो संप्रेषण पूरा क्वेश्चन भाई है, वही क्वेश्चन मतलब संप्रेषण जो है ना आपका जो कम्युनिकेशन होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया, पूरा क्वेश्चन भाई आया है, कुछ भी बाहर नहीं आया, बना बना के भी कर दोगे बड़े आराम से इस क्वेश्चन को, मुझे पता है उसकी कठिनाइयों के बारे में उनका उपयोग किया जाता है, पूरा क्वेश्चन भाई फंसा है। उसके बाद में यदि आप ये क्वेश्चन ना करना चाहें तो आप संचरण के बारे में, कम्युनिकेशन होता क्या है उसके सत्यापन परीक्षण देते हुए उनको प्रक्रिया के अंगों के उपयोग के बारे में पूरा क्वेश्चन बताएं, 15 नंबर का आपके सामने देख लीजिए पूरा क्वेश्चन भाई आया है जो हमने बताया था, कुछ भी बाहर नहीं गया है। लेकिन रिज्यूम की बात करें, संक्षिप्त वितरण की बात करें, आप रिज्यूम के भाग बार, अब देखो ये क्वेश्चन आप बना बना के कर सकते हो, मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया लेकिन आप बना बना के कर सकते हो। रिज्यूम का मतलब क्या होता है बेटा बताओ यार, जिसमें हमें संक्षिप्त में कोई भी हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है वो रिज्यूम कहलाता है। जैसे कि हम कहीं नौकरी देखने जाते हैं तो रिज्यूम लेके जाते हैं ना, भैया रिज्यूम लो पकड़ो मेरा रिज्यूम ये है। आप रिज्यूम देते हो वो आपके बाहर क्या होता है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके गाँव का नाम, एड्रेस वगैरह होता है, आपकी एज होती है, आपका एक नंबर होता है उस पर लिखा हुआ कॉन्टैक्ट नंबर, और आपने क्या एजुकेशन प्राप्त की है, वो सब कुछ होता है। वही तो आपको यहाँ बताना है, वही तो सब कुछ बताना यार, हमारे शॉर्ट में इंट्रोडक्शन जो होता है वो रिज्यूम कहलाता है यार, क्या होता है ये सब कुछ जानते हो आप लोग, ठीक है। उसके अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हो, आप ये ना करना चाहो तो अथवा वाले देख सकते हो, अथवा वाला जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है, ये देख सकते हो कि व्यावसायिक संगठन, व्यावसायिक संगठन के बारे में देखो बोला गया, व्यावसायिक संगठन के में जो लेखाकार के पद की नियुक्ति की जाती है उसके लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है, उनके योग्यता अनुभव के आधार पर बताना है। यदि आप ये क्वेश्चन ना देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको पूर्व बता दिया 15 नंबर का ऊपर वाला फंस चुका है, अब यहाँ रिज्यूम वाला, अब यहाँ देख लीजिए ये क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखो यही आ गया, रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, मैंने कहा व्यावसायिक रिपोर्ट जो होती है ना, व्यावसायिक रिपोर्ट के प्रतिवेदन के बारे में, रिपोर्ट के विभिन्न प्रकार बताइए, उनके रिपोर्ट लिखने के किन किन चरणों का आवेशन किया जाता है, समावेशन जिसे बोलते हैं, वही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ जो हमने आपको बताया था। यदि आप वो ना करना चाहें तो किन्हीं 2 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। अब ये 4 क्वेश्चन के आपको आंसर दिखाता हूं, 2 क्वेश्चन कौन कौन से आपको देना है। देखो नंबर 1 जो आ क्वेश्चन है वो हमें यहां तक नहीं भेजा है, और यहां बात की जाए ऊपर के बारे में तो एक कॉन्सेप्ट, एक देखो यहां कह रहे इंडियन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, हमसे पूछा गया है कि जो इंडिया में जो संप्रेषण के जो एक मॉडल दिया गया है उसके बारे में आप बता सकते हैं। यदि आप वो ना बताना चाहें तो आप कॉन्सेप्ट और इफेक्ट जो लिसनिंग होता है उसके बारे में बता सकते हैं, कॉमन एरर ऑफ द लैंग्वेज के बारे में, या फिर ड्राइंग लेटर के बारे में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो आप चाहें उसके ऊपर एक्सप्लेन मतलब थोड़ा सा बता सकते हैं, जैसे कि प्रभावपूर्ण प्रसरण अवधारणाएं, भाषागत समझ त्रुटियां, ठीक है, और जो कहे जो तगादा पत्र होता है, एक किसी तगादा पत्र मैंने आपको बोला था इंपोर्टेंट हो रहेगा, तगादा पत्र याद कर लेना, तो ये क्वेश्चन भी आपके पन चुका है। तो यार वो करो ना जो पेपर में आ रहा है, पेपर हैकर जो आपको बता रहा है वो तैयार करो यार, क्यों खाली फालतू में पढ़े हो, किसके चक्कर में पढ़े हो, किससे कोचिंग की तुमने उसके चक्कर में पढ़े हो, पास नहीं हो रहे हो, फालतू वाली बातें आ रही हैं आपके दिल में, यार समझो यार, कुछ करो नया, कुछ करना है तुम्हें, आगे भी करना है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे आप पेपर हैकर को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, लव यू सभी को दिल से, थैंक यू।